वहीं नवा रायपुर में 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का मुआयना लेने के बाद कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हम अपने राष्ट्रीय नेता के स्वागत के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, एयरपोर्ट से अधिवेशन स्थल तक भव्य स्वागत की तैयारी है, अधिवेशन को लेकर हम सब उत्साहित हैं। शहीद वीर नारायण सिंह नगर नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन होना है। कल खड़गे साहब आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम आने वाली हैं, राहुल जी, प्रियंका जी और देश भर के हमारे AICC डेलीगेट, PCC डेलीगेट आ रहे हैं। हम लोगों को सबको बेसब्री से इंतजार है, छत्तीसगढ़ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ कांग्रेस का पहली बार छत्तीसगढ़ की धरती में होने जा रहा है और हम सारे उत्सुक हैं और पूरा छत्तीसगढ़ और कांग्रेस जन खासकर पलक पौड़ी बिछाए बैठे हैं, सबका इंतजार है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के जो किया है, और मैं नहीं समझता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना लंबा यात्रा एक साथ किया हो 4000 किलोमीटर, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है और आगे होने की भी गुंजाइश वर्षों तक के होने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। और जो मुद्दे लेकर खासकर महंगाई है, बेरोजगारी है और समाज में जो बिखराव है उससे लेकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, और उससे जो राहुल जी जो आम जनता से, मजदूरों से, गरीबों से, महिलाओं से, युवाओं से, बच्चों से, व्यापारियों से सबसे मिले हैं, जो कनेक्ट हुआ है पूरा देश एक साथ, वो अद्भुत है, अतुलनीय है। तो निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम था। बाद में AICC ने जो फैसला लिया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करना है, तो सारे कांग्रेस जन अपने अपने बूथों में जाके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाले हैं, और उसमें सभी जो कांग्रेस संदेश है, खड़गे जी का संदेश है, राहुल जी का संदेश है, सोनिया जी का संदेश है, उसको घर घर तक पहुंचाए हैं। तो ये बड़ा काम हुआ है और उसके तत्काल बाद ये राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। तो निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस आम जनता से जुड़ने का काम और आम जनता का मुद्दा उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें निश्चित रूप से देश में बदलाव आएगा।